फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 11 बंदरों की मौत हुई है। 6 बंदरों की हालत गंभीर है। बंदरों के झुंड में हड़कंप मच गया और गांव में सनसनी फैल गई है। प्रधान ने आटे में जहर मिलाकर बंदरों को खिलाने की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम व डॉक्टरों की टीम है। ग्रामीणों की घटनास्थल पर जमावड़ा लगा है। बंदरों की मौत से ग्रामीणों में भारी रोष है। हदगांव थाने के सेमराहा गांव का ये मामला है। फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील के अभयपुर गांव के रहने वाले ननका ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर गांव के दबंगों ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत SDM बिंदगी को की गई थी। SDM ने जमीन की पैमाइश कराने को लेखपाल व कानूनों को दिया था। 7 माह बीतने के बाद भी जमीन की पैमाइश नहीं हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दरबार में भी अपनी फरियाद कर चुका है, पर कोई सुनवाई न होने पर अब भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहा है पीड़ित। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पुश्तैनी मकान में आग लग गई। डायल 112 की मदद से बुलाई गई दमकल, स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई। वही पीड़ित का कहना है कि यह हमारी पुश्तैनी मकान है, जिसे कब्जा करने की नियत से ये आग लगाई गई, जिसकी तहरीर हमने थाने पर दी है। ग्राम खालिसपुर थाना फुर्सतगंज की यह घटना है। अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए जिला रेफर कर दिया। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के सेंट्रल बैंक के पास का ये मामला है। अमेठी जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। मौके पर 42 लीटर अवैध शराब बरामद है तथा 4 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना जायस के गांव हतवा व थाना फुर्सतगंज के ग्राम खेसरी आधार का पुरवा व महरनिया में आकस्मिक दबिश दी गई। अमेठी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छ भारत कार्यक्रम की बैठक हुई। ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सभी अधिकारियों को SP सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई। अमेठी के राजर्षि रणजय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में किया गया खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। अमेठी के मुसाफिरखाना में नंदमहर स्थित बाबा नंद के धाम पर पूर्व मंत्री रविदत्त मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कांग्रेस किसान प्रतिज्ञा जनसभा का आयोजन हुआ। प्रतिज्ञा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर न सिर्फ कांग्रेसियों में बल्कि कमजोर वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं से यात्रा निकालकर प्रतिज्ञा यात्रा गौरीगंज तिराहे पर पहुंची, जहां ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा ने अपने साथियों के साथ जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। यात्रा कादूनाला स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहां अतिथियों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। अमेठी जिले में कल से ही जगह जगह पर पहुंच रही कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से हमारे देश के पुरखों ने जो बनाया था, मोदी ने आज उसको बेच दिया। एयर इंडिया, बंदरगाह, रेल और सभी हाई लेवल के कारखाने को बेचते जा रहे हैं। आम आदमी की रोटी भी महंगी कर दी है मोदी ने, डीजल पेट्रोल भी महंगा कर दिया, और मोदी ने BJP सरकार से जनता पूरी तरह उब चुकी है। ये आरोप कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लगाया। आज 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जायस के मैनेजर आशुतोष जायसवाल ने बताया कि पहले की बैंकें आज के लोगों को ज्यादा फायदा दे रही हैं। पहले के लोग अपने पैसों को अपने घर में रखते थे, जो कि पूरी तरह असुरक्षित रहता था। अब लोग अपना धन बैंकों में रखते हैं, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और उसका समय समय पर ब्याज भी मिलता रहता है। जायस के डाकघर में भी विश्व बचत दिवस मनाया गया। अमेठी के जायस में दीपावली मेले के तीसरे दिन हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। मलिक मोहम्मद सोच संस्थान में जनता ने उसका लुत्फ उठाया। इसमें नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर आनंद लिया। महिलाओं ने जब गीत प्रस्तुत किया तो लोगों ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। महंगाई को देखते हुए पूरी तरह से मेले में रौनक नजर नहीं आई। मौके पर नगर अध्यक्ष और EO उपस्थित थे। राज्य मंत्री सुरेश पासी व स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के वारिसगंज में जामो रोड का बुरा हाल। गड्ढा मुक्त सड़कों का फरमान हुआ हवाई। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन राजगीर हो रहे हैं चोटिल। रोड से गुजरने के बाद भी उच्च अधिकारियों के आंख पर बंधी है काली पट्टी। कार्यवाही के नाम पर ट्विटर पर संबंधित अधिकारी को दिया जाता है आदेश। बड़े हादसे का प्रशासन कर रहा है इंतजार। सरकार को बदनाम करने में लगा है अमेठी का प्रशासन। अमेठी जनपद में धान की फसल का उत्पादन जानने को लेकर जिलाधिकारी ने कराई क्रॉप कटिंग। जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से सीधा संवाद स्थापित किया और अपने नजदीक के क्रय केंद्र पर धान बेचने हेतु किसानों से अपील भी की।
अमेठी में एक दिन पहले हुई मारपीट में एक युवक की मौत का मामला। रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में पीड़ित पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। घायलों का ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है इलाज। 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने अमेठी सुल्तानपुर रोड को जाम कर दिया। दबंगों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा की यह घटना है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज